चैनल मेरा करूंगा। तो बताओ मेरा जैम की रेसिपी आपको कैसे लगी? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं घी, और वो भी दही से। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है कि मैं मलाई जमा कर करके इतने सारे दिन वेट करके फिर उसका बटर निकाल के दही बनाऊं। तो मैं झटपट से कैसे बनाती हूँ दही वो आज आपको मैं बताऊंगी, मक्खन दही। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमको लेना है गाय का दूध, मटर और बटर और घी पैकेट के दूध से नहीं बनेगा, दिस इज फॉर श्योर, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, उससे बिल्कुल भी मस्का या घी नहीं बन रहा है फ्रेंड्स। तो जब भी मैं घी बनाती हूँ तो हमारे पास गाय का दूध ही आता है। तो गाय के दूध को जब भी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है तो हम उसका दही जमा देते हैं, जितना खाना है उतना खा लेते हैं, बाकी बचा दही हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। वो एकदम चिल्ड हो जाएगा दही, जब वो दही चिल्ड होता है तभी आपको निकाल कर देखिए कुछ ऐसे बड़े से बाउल में डालना है। ये देखिए मैं इतना बड़ा भगोना ली हूँ बिकॉज हमारे पास बहुत सारा दही है। तो उसके बाद अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर नहीं है तो आप मिक्सी में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो बड़े से भगोने में मैंने डाल लिया है दही, और अब मैं इसे करूँगी बीट। उससे पहले मैं इसमें डालते जाऊँगी थोड़े थोड़े से आइस क्यूब्स, ताकि इसका टेम्परेचर एकदम ठंडा बना रहे। अभी के लिए मैं डाल रही हूँ 4 से 5 आइस क्यूब्स, और अब मैं इसे स्टार्ट करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, आधी घंटा हो चुकी है मुझे बीट करते हुए, और जितनी भी झाग है हम उसे अब निकाल लेंगे।
निकल चुका है और अब हम इसे बनाएंगे घी। और यहाँ पर धीमे आंच पर चढ़ाएंगे और अब इसके लिए हमें चाहिए पान, ये देखिए पान का पत्ता और तुलसी। इसे क्या होगा कि पान का पत्ता और तुलसी से क्या होगा कि इसमें जो भी एक्सट्रैक्टेड स्मेल जो होती है, जो थोड़े सब्स्टिट्यूट्स में जो रह जाते हैं ना, उसकी जो भी स्मेल होती है वो निकल जाएगी और हमारा घी एकदम लिक्विड फॉर्म में बनेगा और थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। तो चलिए लाते हैं हम पान का पत्ता। तो ये देखिए, ये है हमारा पान का पत्ता, ये भी एकदम ऑर्गेनिक पान है और हमारा घी भी बन रहा है एकदम ऑर्गेनिक। हम लेंगे सिर्फ दो पत्ते। तीन, बस तीन काफी हो जाएगी। इसे हम अच्छे से वॉश कर चुके हैं और अब हम सिर्फ पत्ता डालेंगे, इसके डंडल नहीं डालेंगे। ऑलरेडी घी बन रहा है, सी? कलर देखिए कितना सुंदर आया है। अब हमारा मक्खन मेल्ट हो रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पत्ते 1/1, ठीक है। फाइनली फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा घी एकदम बन गया है, बस थोड़ा सा और बनना है। ये देखिए, ये है इसका रेसिड्यू, मतलब लास्ट में मैं है ना मक्खन को मतलब वॉश करके नहीं डाल रही थी, मतलब जैसा ही छाछ का झाग आ रहा था मैं वैसे ही लेकर डायरेक्टली इसमें शिफ्ट कर दे रही थी, तो इसके लिए इसका इतना रेसिड्यू आया है। और ये देखिए हमारे पान के पत्ते, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, बहुत माने बहुत अच्छी स्मेल है। ये देखिए इसे और 10 से 15 मिनट लगेंगे बनने में, उसके बाद हम देखते हैं हमारे घी का हाल कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारा घी एकदम अच्छे से बनकर तैयार है। अब पता चला घी इतना महंगा क्यों होता है। तो चलिए, हमारा घी ठंडा हो चुका है, अब हम इसे भरते हैं हमारे बॉटल में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा एकदम प्योर ऑर्गेनिक होम ग्रोन पान के पत्ते भी हमारे बिल्कुल ऑर्गेनिक है, तो घर के दही से एकदम ऑर्गेनिक घी बनकर तैयार है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। नीचे सब्सक्राइब बटन जो है ना, उसके बाद जो बेल आइकॉन भी होता है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। तो ठीक है, कमेंट करके बताना कि घी कैसे बना, अच्छा है या नहीं, इसका कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर बताइए।